सो दीदी नमन एंड अ प्लीजेंट मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द रेस्ट चैप्टर. वीना हैड कम अप विद द आइडिया ऑफ फिक्सिंग शार्प ब्लेड्स ऑन टू अ पेयर ऑफ स्केट्स. वीना के दिमाग में एक आइडिया आया कि स्केट्स के पेयर में शार्प ब्लेड यानी तेज धार वाले ब्लेड को फिक्स कर दिया जाए. दिस मीन्ट इसका मतलब कि दैट अ पर्सन वुड बी एबल टू कट ग्रास जस्ट बाई स्केटिंग ओवर इट. इसका मतलब ये था कि जो व्यक्ति स्केटिंग करेगा वो स्केट करने के साथ साथ उससे घास भी कट जाएगी. इट वॉज़ एन एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट आइडिया. ये बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था इफ़ इट वर्क, लेकिन अगर ये काम कर जाता तो. देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट वेन द गिफ्ट वॉज पुट टुगेदर एंड रैप्ड. बड़ा ही एक्साइटमेंट था उसके अंदर जब दोनों गिफ्ट को एक साथ रख के रैप किया गया. बट द स्केट्स वर अ टोटल फेल्योर. लेकिन स्केट्स पूरी तरह से फेल हो चुके थे. टू बिगिन विद मिस्टर शेषाद्री फाउंड इट इम्पॉसिबल टू स्केट ऑन द ग्रास. और जैसे ही मिस्टर शेषाद्री ने शुरू किया उन्हें महसूस हुआ कि ग्रास पर स्केट करना असंभव हो गया है. ही ट्रिप्ड एंड फेल सो मैनी टाइम्स. ही ट्रिप्ड एंड फेल सो मैनी टाइम्स. वो किसी चीज़ में मतलब उनका पैर फंसा और वो कई बार गिरे. दैट ही वॉज सून कवर्ड विद कट्स. और जल्दी ही उनके जगह जगह पर उनके कट लग गए थे. ही स्टॉप ट्राइंग टू स्केट. उन्होंने स्केट को रोकने की कोशिश की. वैन ही हिट हिज फोरहेड. और तभी उनका सिर माथा जो है किसी चीज़ से टकराया. एंड वॉज लेफ्ट विद अ बम्प. और वो एक उछाल के साथ नीचे गिरे. विच बिकेम द कलर एंड साइज ऑफ वन ऑफ हिज प्राइज विनिंग ब्रिंजल्स. और जिसमें उनको प्राइज के रूप में क्या मिला, ब्रिंजल के साइज और कलर जैसे उभार उनके जगह जगह हो गए थे. When Veena tried them on, जब Veena ने ट्राई किया कोशिश किया, she found उसने पाया that she could manage to skate over the grass, कि वो घास पर स्केट को मैनेज कर सकती थी. But instead of cutting the grass, लेकिन बजाय घास काटने के, the skates pulled out huge bunches of it. स्केट्स ने क्या किया, घास के एक बड़े से गुच्छे को खींच लिया. दिस लेफ्ट बिग बाल्ड पैचेस ऑन मिस्टर शेषाद्रीज ब्यूटीफुल लॉन. और गुच्छे में घास के खींचने से मिस्टर शेषाद्री की खूबसूरत लॉन में एक पैच बन गया था. मिस्टर शेषाद्री वॉज नॉट प्लीज्ड. मिस्टर शेषाद्री इस बात से खुश नहीं थे. दैट्स वाई यही रीज़न था आंट मालू शुड हैव बीन मोर केयरफुल व्हेन वीना एंटर्ड हर वर्क रूम वन मॉर्निंग एंड सेड. ये रीज़न था कि आंट मालू ने जब वीना ने उनके काम करने वाले रूम में एंटर किया तो आंट मालू केयरफुल हो गई एंड सैड. और वीना ने कहा आई हैव एन आइडिया. मेरे पास एक आइडिया है. मतलब जैसे ही वीना ने उनके आंट मालू के काम करने वाले कमरे में प्रवेश किया वो आंट मालू केयरफुल हो गई. आंट मालू वॉज सो बिजी पाउंडिंग रेड हिबिस्कस पीटल्स फॉर मेकिंग हर हर्बल मेडिसिन दैट शी डिडंट हियर वीना. वीना ने जब कहा कि मुझे मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन आंट मालू रेड गुड़हल के पत्तियों को तोड़ने में बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि वो एक हर्बल मेडिसिन बनाने जा रही थी. दैट शी डिडंट हियर वीना. इसलिए उन्होंने वीना को सुना नहीं था. What do you think about getting rich? Veena was a little louder. Veena थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, आप रिच होने के बारे में क्या सोचती हैं? She pushed aside several tinny bottles with cork stoppers. उसने कॉर्क के ढक्कन से बंद की हुई कई सारी छोटी छोटी बोटल्स को खिसका दिया. And tall jars made of thick blue-green glass. और ब्लू और ग्रीन कलर के ग्लास से बने हुए मोटे मोटे जार को एक साइड किया. So that she could sit on the table. जिससे कि वो वहाँ टेबल पर बैठ सके. Where her aunt was working. जहाँ उसकी आंटी काम कर रही थी. Veena could not sit still. Veena अब भी नहीं बैठ सकी. She liked to swing her legs. उसको अपने पैरों को हिलाना पसंद था. And fiddle with everything on the table. Fiddle means होता है उंगली से कि हर किसी भी चीज़ को घुमाते रहना. और टेबल पर जितनी भी चीज़ें रखी हुई थी उन सभी को घुमाते रहना और अपने पैर हिलाते रहना, ये वीना को पसंद था. Sometimes without thinking. कभी कभी बिना सोचे she would mix up the seeds
वो सीड्स को, बीजों को मिक्स कर देती थी, दैट आंट मालू हैड जस्ट सॉर्टेड आउट, जिन्हें कि आंट मालू ने अलग अलग करके रखा हुआ था। और स्पिल सम प्रीसियस ड्रॉप्स ऑफ जैस्मिन ऑयल ऑन टू द टेबल, या वो जैस्मिन की बूंदों को टेबल पर गिरा देती थी। स्टॉप फिडलिंग विद द पाइनएप्पल प्रिकल्स, पाइनएप्पल की छोटे छोटे जो कांटे हैं उनको, उनमें उंगली घुमाना बंद करो। आई हैव जस्ट वॉश्ड एंड ड्राइड देम, मैंने अभी इनको धोया है और सुखाया है। एंड डोंट सिट ऑन माई टेबल इफ़ यू कांट स्टॉप शेकिंग इट, और अगर तुम इनको हिलाना बंद नहीं कर सकती हो तो तुम मेरी टेबल पर मत बैठो। आंट मालू वॉज मेजरिंग आउट सम शाइनी वाइट कुकुम्बर सीड्स ऑन अ टीनी विगिंग स्केल, आंट मालू एक छोटी सी विगिंग स्केल पर खीरे के छोटे सफ़ेद बीजों को, छोटे छोटे सफ़ेद बीजों को मेज़र कर रही थी। आई एम नॉट श्योर आई शुड ट्राई एनी मोर ऑफ योर आइडियाज़, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे किसी भी आइडिया को मुझे ट्राई करना चाहिए, वीना, आंट मालू ने वीना से कहा। मालू सेड कामली, बड़ी शांति से उन्होंने वीना से कहा कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे तुम्हारे किसी आइडिया को ट्राई करना चाहिए। द लास्ट टाइम आई ट्राइड वन ऑफ योर आइडियाज़, पिछली बार जब मैंने तुम्हारे एक आइडिया को ट्राई किया था, आई एंडेड अप स्पेंडिंग 10 days इन अ बेड, तो मुझे बिस्तर में 10 days बिताने पड़े थे, नॉट एबल टू मूव एट ऑल, यहाँ तक कि मैं हिल भी नहीं सकती थी। इट वॉज़ ओनली 8 days, ये तो सिर्फ 8 ही दिन थे। एंड इट वॉज जस्ट योर आर्म्स यू कुडंट मूव, सेड वीना, वीना ने कहा सिर्फ 8 ही दिन तो थे और आपकी वो आपकी बाँह थी जिसे आप मूव नहीं कर सकती थी। एनी वे दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन दिस टाइम, एनी वे खैर छोड़िए, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन दिस टाइम, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। माई आइडिया फॉर मेकिंग यू रिच इज़ गोइंग टू बी नो ट्रबल एट ऑल, आपको रिच बनाने का मेरा जो आइडिया है उससे आप किसी भी परेशानी में पड़ने वाली नहीं हैं। इवन एट दिस पॉइंट आंट मालू कुड हैव बीन स्मार्ट एनफ टू चेंज द टॉपिक, इतने पॉइंट के बावजूद भी आंट मालू इतनी स्मार्ट थी कि वो इस टॉपिक को चेंज कर सकती थी, और टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वेदर, या कि वो उससे वेदर के बारे में बात कर सकती, और द प्राइस ऑफ पोटेटोज, या पोटेटो के प्राइस के बारे में बात कर लेती, और विस्टर और वाइजर स्टिल, या वो इतनी बुद्धिमान थी कि शी शुड हैव रन फ्रॉम द रूम एज फास्ट एज हर प्लम्प फीट कुड कैरी हर, या फिर उन्हें वो इतनी स्मार्ट थी कि उन्हें अपने रूम से इतनी तेज़ी से भाग जाना चाहिए था जितना कि उनके मोटे मोटे प्लम्प मीन्स जो मोटे मोटे फीट थे, पैर थे, वो उनको कैरी कर सकते थे। मतलब मोटे मोटे पैर उनकी बॉडी को जितना कैरी करके भाग सकते थे उतनी तेज़ी से उनको रूम से भाग जाना चाहिए था। इंस्टीड, लेकिन इसके बावजूद शी टुक अ डीप ब्रीथ, उन्होंने एक गहरी सांस ली एंड आस्क्ड, और पूछा, सो वॉट डू यू हैव इन माइंड दिस टाइम, उन्होंने वीना से पूछा, तो बताओ अच्छा इस समय तुम्हारे दिमाग में कौन सा आइडिया चल रहा है। स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, एंड द रेस्ट चैप्टर आई विल एक्सप्लेन टुमारो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।